इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने किरण बेदी के पिता से की फोन पर बात और कहा सरकार है आपके साथ। किरण मामले में न्याय के लिए पूरी कोशिश करेगी सरकार, और कमजोर पैरवी और जांच में लापरवाही को लेकर यूकेडी ने पुतला फूका था और विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को उठाकर कैंडल मार्च निकाला था, जिसके बाद इस पूरे मामले में बवाल देखने को मिला था। अब इस पूरे मामले की नई अपडेट सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत किरण नेगी के पिता कुंवर सिंह नेगी से फोन पर बात की है और कहा है कि सरकार आपकी हर एक मदद करेगी। उन्होंने उनसे यह भी कहा है कि जब भी वो दिल्ली आएंगे उनसे मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने नेगी को आश्वस्त किया है कि इस पूरे मामले पर सरकार आपके साथ है, और साथ ही साथ उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से भी बात की है और इस पूरे मामले को देख रही चारू से भी बात की जो कि वकील हैं, और कहा है कि इस पूरे केस को फिर से इस पर जो भी सरकार की मदद बनेगी वो की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की बेटी थी किरण और सरकार आपके साथ है, और उन्होंने क्या कुछ फोन पर बातचीत की वो भी आपको सुना देते हैं। हम लोग सब लोग आपके साथ हैं, और मैंने इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में वकील आप लोगों की तरफ से कर रही थी चारू खन्ना जी ना, चारू खन्ना जी से भी मेरी बात हुई है, मैंने उनको भी बात की है, और हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी उनसे भी बात करी थी। इसमें हम लोग सब लोग साथ में हैं, पूरे उत्तराखंड की सरकार आपके साथ है। और आप अभी इस समय कहाँ होंगे आप? अच्छा अच्छा दिल्ली में है क्या आप? हाँ, दिल्ली में सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो या तो इधर आपका आने का तो नहीं होगा ना अभी यहाँ? देहरादून साइड सर। हाँ देहरादून साइड आएंगे जब आप बुलाएंगे, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा अभी प्रेशर चल रहा है, इस पे चल रहे हैं, इसके बाद देखता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, नहीं तो फिर मैं दिल्ली आता हूँ तो वहीं आपसे भेंट कर लूंगा। नहीं बिल्कुल ठीक है, और इसमें हम लोग सब आपके साथ हैं, जो भी करना होगा हमारी बेटी है वो है ना आपके साथ, पूरा उत्तराखंड खड़ा है, हम लोग सब साथ में खड़े हैं, जहाँ भी जैसी जरूरत होगी हम लोग भी बात कर रहे हैं, जो भी हम लोगों से मदद होगी यहाँ से हम लोग जरूर करेंगे इसमें आपको न्याय दिलाने के लिए बेटी को, ठीक है ना।